हो गया रे ये ओले। देखो यार ऐसे लोग देख कर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी तगड़ी बारिश हुई। और वो देखो रास्ते में गजेरा और वहाँ पर रोड में भी गजेरा आ रहा है भाई। क्या अरे एक टीशल में आएगा बेचारे की हालत खराब हो गई यहाँ तक जैसे बर्फ गिर रखी होगी भाई। रात को भाई अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, रात को जाना पड़ रहा है घर और बाइक के अंदर पानी चला गया था टंकी के अंदर। यहाँ तक आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया तो वीडियो में आगे भी बने रहिए बी पहाड़ के साथ। तो चलिए यार ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू बी पहाड़ी यूट्यूब चैनल, स्वागत है आप लोगों का फिर एक बार बी पहाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं जा रहा हूँ यार सोलो राइड पे, मतलब मेरे साथ नहीं कोई अकेले जा रहा हूँ आज। काफल लेने जाना भाई, निकालने नहीं है पेड़ से, काफल निकाल रखे हैं, साथ में चलने के लिए कोई मिला नहीं तो इसलिए मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अभी मैं घर से निकला हूँ ब्यासी के लिए और वहाँ से जाना है मेरे को रनगांव, पास में ही है रनगांव, वहाँ पर जाना है और दीदी ने निकाल रखे हैं पेड़ से काफल और मेरे को लेके आने हैं वो घर। काफल भी अपने लिए नहीं यार, वो जाएंगे दिल्ली, तो बड़े भाई जा रहे हैं अपने तो वो लेके जाएंगे दिल्ली। और अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ यार, शायद बारिश हो सकती है, मौसम भयंकर हो चुका है। अभी मेरे को जल्दी जल्दी ब्यासी पहुँचना होगा, वहाँ से चलना है रनगांव। तो मिलता हूँ आप लोगों को आगे और बने रहे ब्लॉग में। लास्ट के वाला ब्लॉग अलग ही किस्म का अलग ही टाइप का होने वाला है। तो अभी यार जस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ ब्यासी, हो रहा ब्यासी मार्केट नीचे। और ब्यासी पहुंचने के बाद यार उस वाली रोड पे जाना मेरे को, वो वाली रोड दिख रही होगी आप लोगों को उधर से होके सीधे आगे मिलेगा वो गांव। तो चलिए ब्यासी में मिलते हैं आप लोगों को या तो आगे। तो भाई मैं सीधे पहुंच चुका हूँ रनगांव और यहाँ पर यार बारिश लगी भाई, रास्ते में मेरे को बारिश लगी थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया और थोड़ा बहुत भीग गया। और अभी ऊपर से दीदी की लड़की आने वाली है काफल लेके और मैं अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तब तक आप लोग व्यू देखो यार यहाँ का भाई, आसमान भी भयंकर गरज रहा है यार। तो ये रही रनगांव की दुकानें और ऊपर ये रहा रनगांव, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत बड़ा गाँव है रनगांव भी। ये देखो ये छोटी छोटी शॉप है उनकी, रनगांव वालों की, पता नहीं किस किस की है मेरे को नहीं पता। भाई दो छोटे पंटर लोग ला रखे मैंने अपने साथ हेल्प करने और यहाँ से पलाना वगैरह पता नहीं कौन कौन से गांव दिखते हैं ये मेरे को भी नहीं पता यार, वो तो ऐठी है ये मेरे को पता है। और ये पलाना वगैरह पता नहीं कौन कौन से गांव है यहाँ अलग अलग। बारिश लग चुकी है तगड़ी वाली ये देखो, और बाइक हमने अंदर खड़ी कर ली क्योंकि यार अंदर पानी जा रहा है तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है ऐसे। वो देखो उधर उस वाले धार पे यहाँ पे ये देखो धूप लग रखी है, यही होता है यार आजकल, कहीं पर धूप तो कहीं पर बारिश, कभी धूप और बारिश एक साथ आ जाती है। मैंने बोला था ना धूप भी बारिश भी एक साथ है, देखो बारिश भी हो रही है और धूप भी लगी हुई है अभी। ये आ गए बैग लेके, प्रणाम अनु ने, अनु ने क्या छिप बैगन खाली जाने उनते कह के देने वालो तू एल बीता मन वाल ये था कहा जाने तू ये था ये बोर्ड बैग हैं वापस भी देने क्या बैग छू। ये आ गया भाई बैग काफल से भरा है, फुल ला जाओ खाने के लिए। तो अब चलेंगे वाला बैग लेके भाई घर को, तो यार बैग भी आ चुका है, अब चलते हैं यहाँ से फिर से ब्यासी की तरफ। बारिश भी हो ही रही है, क्या करना है, जाना तो है ही। करते हैं अपनी BMW स्टार्ट भाई साहब, इतनी तगड़ी बारिश लग गई ना कि भाई हमें रुकना पड़ा फिर से। देखो भयंकर बारिश, फोन में तो दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी आप लोगों को लेकिन इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि हमको रुकना पड़ा भाई। वो देखो भाई साहब उधर से तो और ज़्यादा आ गए यार, भाई यार क्या करें इस बारिश का, और तगड़ी आती जा रही है भाई, भयंकर बारिश है। देखो अब तो गांव भी नहीं दिख रहे आसपास, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है भाई, इतनी तगड़ी बारिश आ रही है देखो। क्या हो रहा है एक टीशल में आएगा बेचारे की हालत खराब हो गई, यहाँ तक पानी आ रहा है देखो, यहाँ तक यहाँ से तो नहीं आ रहा है फिलहाल, यहाँ से अब बारिश नीचे को आ रही है। ओ भाई क्या ठान रखी है भाई, ओले देखो जरा देखो जरा भाई क्या हो गया,
ओले ही ओले भाई। तो भाई और तगड़ा भाई, मेरे ही बोलने से तो नहीं आ रही है भाई। ओ भाई तो वो भयंकर क्या हो गया रही है भाई, बर्फ पड़ गई रे, बर्फ पड़ गई यहाँ। ओले ही ओले, ओले ही ओले पड़ गए रे बाबा, ओले ही ओले बेहतर आ रहे हैं भाई। देखो यो भाई और तगड़ी और तगड़ी और तगड़ी। ओ भाई कार की हालत खराब हो गई यहाँ पर। गधेरा देखो जरा ऊपर, रास्ते का गधेरा। ओ भयंकर, ओ भाई तेरी तो भाई हालत खराब है भाई हमारी, हमारे भी। और ये देखो पूरा भाई सफेद, खेत भी सफेद हो गए भाई। इतना तगड़ा तूफान, इतनी तगड़ी बारिश, इतने तगड़े ओले। ओले देखो यार, ऐसे देख कर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी तगड़ी बारिश हुई। और वो देखो रास्ते में गधेरा, और वहाँ पर रोड में भी गधेरा आ रहा है भाई। ये देखो सफेद हो रखी है भाई, बिल्कुल वाइट हो रखी है रोड। देखो भाई साहब यहाँ पर देखो थुपड़ा लग रखा है, थुपड़ा ओलों का। तूफान वाली बारिश बंद हो चुकी है, बंद भी नहीं हुई लेकिन बिल्कुल हल्की होगी, कम हो चुकी है बारिश। और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा भाई, मेरा किच रिबड़ा रहा है। ये देखो पीछे फोन दिख रहा होगा आप लोगों को कितना हिल रहा है, मैं भी कितना हिल डुल रहा हूँ यहाँ। इतनी ठंड लग रही है मौसम, उसकी हालत खराब, मेरी भी हालत खराब। और हवा चल रही है तगड़ी वाली, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, जैसे बर्फ गिर रखी होगी भाई। ये देखो आज हवा भाई कब से ठंड का एहसास हो गया, भयंकर वाला चलना था लेकिन गधेरे इतने भयंकर आ रहे हैं ना। वो देखो उधर पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, वहाँ पर भयंकर गधेरे आ रहे हैं। थोड़ा वेट करते हैं, नहीं तो चलते हैं यार, चलो क्या पता बारिश फिर से आ जाए। भाई साहब बारिश ने इतनी हालत ख़राब कर दी ना हमारे आज, क्या ही बताएं। देखो रात को भाई अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल रात को जाना पड़ रहा है घर। और बाइक के अंदर पानी चला गया था, टंकी के अंदर। बाइक स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम। और ब्यासी आए उसके बाद सीधे ऊपर आ रहे हैं भाई, इतना टाइम लग गया हमें, क्या बताएं भाई। रात को जा रहे हैं भाई सबके सब घर, ये बेचारों के लिए भी लेट होगी मेरी वजह से। बाइक स्टार्ट नहीं हुई यार, नहीं तो आ गए थे हम जल्दी से टाइम पे। बाइक ने दिमाग खराब कर दिया। कौन है भाई? हाँ, कहाँ से आ रहा है? कहाँ का है? कुनैद का तो नहीं लग रहा, घूरी का लग रहा है तू। कौन है तू, शकल दिखा अपनी। ये देखो दुकान भी खुल रखी है यहाँ पर, गाँव में सबकी लाइटें जल गई भाई। और हम अब जा रहे हैं घर, हालत खराब हो गई भाई। बेचारा तो फाइनली यार गाइस पहुंच चुका हूँ घर पे। और हालत तो क्या ही बताएं आप लोगों को, हालत भी खराब, भीगते भीगते घर आया। और रात भी देखी होगी आप लोगों ने, लाइटें भी जल गई थी लोगों की, बारिश की वजह से बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। एक टॉर्च था मेरे पास फोन का। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना। और अगर आप लोग पीपाड़ के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों तक पीपाड़ की वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।